वेलकम टू माय चैनल एबीरॉक्स टीम्स। तो क्लब फ्रेंडलीज लीग का आज के दिन का शाम का पहला मैच डीओआर वर्सेस विलारियल के बीच खेला जाएगा। तो आपको बता दूं, सुबह से वीडियो इसलिए नहीं आई क्योंकि कोई मैच ही नहीं था भाई। मैं किसके ऊपर डालता, क्योंकि क्रिकेट की वीडियो मैं नहीं डालता, सुबह सिर्फ फुटबॉल, लेकिन मैं क्रिकेट कवर करता जरूर हूँ इन मेन मैचेस। तो बात करें, ये मेरा टेलीग्राम चैनल, कल क्या रिजल्ट था। बार बार मेरे का यही बोलने का मन कर रहा है कि कल क्या टीम थी यार, मज़ा आ गया। और कल आपने जो विनिंग किया ना ओपन में, मतलब लिटरली मेरे को बहुत खुशी होती है। अभी मैं सबके रिजल्ट तो नहीं डाल पाया, लेकिन मैंने देख लिए सबके रिजल्ट। होपफुली आप सारे जीते हैं, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग मैचेस ऑल्सो। एंड बात करें हम इस वीडियो के अंदर, किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। बढ़ते आगे बात करें अगर हम इस मैच की, देन देखो जाहिर सी बात है कि बोरुसिया डॉर्टमुंड और विलारियल, इन ये जब भी, मतलब मैं आपको एक क्लियर बात बोलूँ, ये दोनों अलग अलग लीग्स की टीम है। एक खेलती है लालीगा में, एक खेलती है बंडेसलीगा में। तो कोई सवाल ही नहीं उठता हेड टू हेड रिकॉर्ड का, क्योंकि यही जो आज होना है वो आपके आंखों के सामने ही होना है जो भी होगा। तो बात करें गोलकीपर की, देन यहाँ पर है पेपे रेना या जीरुली, दोनों को मौका मिलेगा, इसलिए कोई ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं, क्योंकि ये है क्लब फ्रेंडली लीग। यहाँ पर प्लेयर कब सब्स्टिट्यूट हो जाए कोई नहीं जानता बिना इंजरी के, क्योंकि क्लब फ्रेंडली लीग है, यहाँ पर सारे प्लेयर्स को मौका दिया जाता है कुछ कुछ मिनट खेलने को। आगे से अगर मैं बात करूँ राफेल गुरेरो की, तो राफेल गुरेरो को कई लोग कैप्टन रख के काफ़ी उछल रहे थे। मतलब मैं आपको बता दूँ यार, कैप्टन कैसे रख दोगे? आपको क्या पता कि पिछले मैच में, चलो मैं आपकी बात मान गया कि इसने 34 पॉइंट दे दिए, भाई खेला कितने मिनट ये बताओ, 45 मिनट। अगर ये बंदा 45 मिनट के अंदर फ्लॉप होता है, और अगर आपका कैप्टन होता क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि 45 मिनट में तो क्लीन शीट के पॉइंट भी नहीं मिलेंगे अगर लग भी गई क्लीन शीट। इसलिए कैप्टन उसे रखो जिस पे भरोसा हो। मैं आपको देखो सच बात कर रहा हूँ, भले आप मेरी टीम के साथ जाओ या अपनी, वो अलग बात है, लेकिन कैप्टन उसे रखो जिस पे भरोसा हो। एंड पी टोर्स की बात करें, हो सकता है पाउ टोर्स को आफ्टर 45 मिनट्स मौका मिले, लेकिन मैं आपको बता दूँ पी टोर्स की जगह भी और भी प्लेयर्स हैं, क्योंकि ऐसी बात नहीं है। विलारियल की और बोरुसिया की, इन दोनों टीम्स की डिफेंडिंग अच्छी है। एंड मैट हैवल्स की बात करें, ये भी बहुत जल्दी सब्स्टिट्यूट हुआ था, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, लेना है बस प्लेयर, मजबूरी है। आगे से अगर बात करें एमरियस की, देन एमरियस को कई लोगों ने कैप्टन रखा था, मतलब काफ़ी लोगों ने ही रखा था, ऑलमोस्ट ये हाईली सिलेक्टेड कैप्टन था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये प्लेयर जो पिछले मैच में गोल करके गया था वो पेनल्टी गोल था, और जाहिर सी बात है कि एर्लिंग हालैंड की टीम छोड़ने के बाद पेनल्टी टेकर एमरियस ही बनेगा, क्योंकि एमरियस ही सेकेंडरी पेनल्टी टेकर था पहले। इसलिए एमरियस की जगह काफ़ी पक्की है, और कुछ दिनों तक मुझे शक है आपको स्ट्राइकिंग करता ही ना नज़र आ जाए दोबारा। एंड जे बिलिंगम की बात करें, यहाँ पर है जूड बिलिंगम को लेने का रीज़न है, मैं आपको बता देता हूँ, रीज़न एक ही रीज़न है, वो रीज़न ये है कि डिफेंडिंग पे भरोसा ना करना, क्योंकि डिफेंडिंग में फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा, सीधा सीधा नज़र आ रहा है मिडफील्डिंग एंड स्ट्राइकिंग पे। और बिलिंगम का पिछले मैच में गोल भी होने लगा था, तो बेचारे का गोल होता होता रह गया, मेरे को बड़ा दुख हुआ था, क्योंकि इसके लिए भी गोल ज़रूरी था, प्लस आप लोगों के लिए भी। एंड पेराजो की बात करें, तो डैनियल पेराजो और एम ट्रिगुरस, इन दोनों में मैं हमेशा एक ही प्लेयर ले पाता हूँ हमेशा से, क्योंकि भले मैं इस लीग की टीम ना हूँ, क्योंकि यार इन दोनों को लेना थोड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, तो इसलिए मैं पेराजो को प्रेफर करूँगा, क्योंकि ट्रिगुरस तो कुछ कर गया तो चलेगा, लेकिन पेराजो कुछ कर गया तो मुश्किल हो जाएगी। एंड डेहॉट की बात करें, डेहॉट अब सेकेंडरी पेनल्टी टेकर आई थिंक बन जाएगा, क्योंकि यही इनके पास एक ऑप्शन बचता है, और उनके पास कोई ढंग का ऑप्शन है नहीं। और आगे से अगर मैं बात करूँ सेबेस्टियन हेलर, अगर एर्लिंग हालैंड चला गया तो सेबेस्टियन हेलर आ चुका है भाई साहब, टॉप का प्लेयर, जिस दिन भी इसे चांस मिला आंख बंद करके कैप्टन रख देना। ये बंदे ने ना, एक टीम है अजैक्स टीम से खेलता था, इसने 9 गोल कर दिए एक ही मैच में, ओ भाई रिकॉर्ड है इसका, रिकॉर्ड जाके देख लो, झूठ नहीं बोल रहा, एक ही मैच में 9 गोल इस बंदे ने कर दिए। कौन कर सकता है भाई 9 गोल एक मैच में, भाई सपना होता है फुटबॉलर का, अगर बंदा हैट्रिक भी कर जाए, इसने तो ट्रिपल हैट्रिक मार दी, इसने तो हैट्रिक की भी हैट्रिक कर दी, मतलब ये भाई खतरनाक प्लेयर है, ये ना हल्के में मत लेना इसे। एंड जी मोरेनो की बात करें, मोरेनो या डेंजुमा में से एक लूँगा, मैं प्रेफर करता हूँ मोरेनो के साथ, जो मोरेनो जाना पहचाना पहले का प्लेयर है, डेंजुमा कभी कभी चलने वालों में से है। एंड के एडमी जो कि अभी ऐड हुआ है, पहले इस टीम में नहीं था, तो अभी आप इसको सिर्फ सेव करके रखिए, हो सकता है मैं इसकी जगह हेलर या मेलन में से अगर कोई लूँ, अगर किसी को चांस देंगे, क्योंकि इन्होंने पिछले मैच में भी हेलर को चांस नहीं दिया, जबकि वो सब्स्टिट्यूशन में भी नहीं था, आई एग्री, लेकिन पता नहीं ना कब आएगा। एंड आगे से बात करें वाई मोकोको की, अभी तक क्लब फ्रेंडलीज लीग के टॉप गोल्स में इसका नाम है अभी तक, तो मेरे हिसाब से मोकोको आज गोल करना चाहिए, मेरे को पिछले मैच में भी उम्मीद थी, लेकिन इसने उम्मीद पर पानी फेर दिया, मतलब करना चाहिए था यार, एक अच्छी प्लेटफॉर्म पर जाके आप गोल नहीं कर रहे,
और जब भरोसा हम कर रहे हैं तब आप गोल नहीं कर रहे हो, और अभी मैं भरोसा ना करता तो ये गोल भी पेल देता, इसलिए वो नहीं चाहता यार मैं। इसलिए मैं फिर रिस्क लूँगा, मैं कैप्टन फिर मोकोको को रखूँगा, वाइस कैप्टन एमरियस को। अगर आप मेरी रिस्की टीम के साथ नहीं जाना चाहते तो आप कैप्टन एमरियस को रख सकते हैं एंड वाइस कैप्टन रख सकते हैं वाई मोकोको या फिर राफेल गुरेरो को। मैं गुरेरो के साथ नहीं जाऊँगा, पहली बता रहा हूँ, सिर्फ मैं ये ऑप्शन दे रहा हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।